नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार डिजिट। जनपद शिवपुरी से इस वक्त की खबर। शिवपुरी के माधव चौक चौराहे पर जिला कांग्रेस पार्टी द्वारा कृषि कानून के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। साथ ही केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वहीं कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री प्रकाश शर्मा द्वारा बताया गया कि केंद्र सरकार ने जो किसान विरोधी कानून बनाया है वे किसानों के हित में नहीं है और इस कानून से भारत की आने वाली पीढ़ी को अन्न के लिए तरसा देंगे। वहीं जिला अध्यक्ष ने कहा कि हर हाल में भारत के किसान इस कृषि कानून को वापस करवा कर ही मानेंगे और केंद्र सरकार को यह कानून वापस लेना पड़ेगा। समाचार ए टू जेड के लिए शिवपुरी से साबित खान की रिपोर्ट। भारत वर्ष के समस्त किसान इस समय जो भारत शासन ने कानून बनाए हैं कृषि कानून 3, इसके विरोध में ये जो देश भर में इस समय आंदोलन रत हैं भारत के किसान, इस आंदोलन को लेकर के मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे माननीय अध्यक्ष कमलनाथ जी द्वारा निर्देश दिया गया है कि इन किसानों के समर्थन में हमको विरोध प्रदर्शन करना है, उनका सहयोग करना है। उनके सहयोग के हितार्थ ही हम पूरे मध्य प्रदेश में हर जिले में आज 15 तारीख को सभी धरने पर बैठे हैं। चक्का जाम हो रहा है और ज्ञापन देंगे कलेक्टर महोदय को राष्ट्रपति के नाम। ये आज का हमारा कार्यक्रम है। बहरी नहीं है बल्कि मक्कार है। इनकी मक्कारी इस बात पर दृष्टिगोचर होती है कि भारत का संविधान क्या कहता है। भारत के संविधान की पहली लाइन है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग अंगीकार करते हैं 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान। तो भारत की जो 130 करोड़ आबादी जो जनता है, इस जनता से ऊपर ना तो सरकार है, ना सुप्रीम कोर्ट है और ना कोई और संस्थान है। भारत की जनता ही सिरमौर है इस देश की। उस देश के किसान महसूस करते हैं कि यह काले कानून हमको और हमारी आने वाली पीढ़ी को, भारत के समस्त उपभोक्ताओं को अन्न के लिए, फसलों के लिए, सब्जियों के लिए तरसा देंगे। इसके लिए ये आंदोलन किया जा रहा है। ये आंदोलन जारी रहेगा कि अगर सुनवाई नहीं हुई तो? आज 50 दिन हो चुके हैं। सर्दी गर्मी बरसात में बच्चे बूढ़े महिलाएं और हमारे किसान सब लोग इनकी इस कॉन्स्पिरेसी को, इस षड्यंत्र को ये समझ चुके हैं। अभी आपने थोड़ी देर पहले पूछा था कि जो कमेटी बनाई है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें से भूपेंद्र सिंह मान जो 81 साल की उम्र के हैं और सबसे ज़्यादा मर्मज्ञ हैं कृषि के, तो उन्होंने इस्तीफा दे के ये कहा है कि मैं किसानों का साथ नहीं छोड़ सकता, उनके साथ रहूँगा। तो मेरा उनको ये सुझाव है भारत की सरकार को कि अडानी, अंबानी और अर्णब गोस्वामी इनको बना दे कमेटी और ये निर्णय कर दें। लेकिन भारत का किसान ना झुका है ना झुकेगा और भविष्य में मनवा के मानेगा, इन कानून को रिपील करा के मानेगा। ठीक।